अब आगे हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी का प्लानिंग। तो टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे पहला क्या रहेगा, क्या आपके वहां काम करने वाले लोग अपना खुद का फोन यूज करते हैं या कंपनी का? अगर कंपनी का कर रहे हैं तो बढ़िया, अगर खुद का कर रहे हैं तो डेटा गया, समझ जाना। क्या आपके वहां काम करने के लिए जब लोग आते हैं तो उसकी कोई सिक्योरिटी वगैरह कोई प्रोसेस करते हैं हम, उसका थंब हो गया या उसका कोई भी चीजों का प्रोसेस हो गया? अगर नहीं कर रहे हैं तो कभी भी डेटा आपका वहां से जा सकता है। और ये सारी चीजों टेक्नोलॉजी को लेकर होती है। क्या आप लोगों के पास अपना मेल आईडी जो है वो कंपनी का पेड मेल आईडी है या फ्री वाला है? फ्री वाला है तो लोग मार्केट में आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे। ये साइकोलॉजी होती है बिजनेस करने वाले की, कि जो पेड सर्विस से अगर अपना मेल आईडी नहीं ले सकता है डोमेन से परचेस करके, तो वो बंदा क्या धंधा करने वाला है? तो वो आपका होना चाहिए। ये आईटी की सारी बातें हैं जिसके एक्सपर्ट आपके पास होने चाहिए। उसके बाद अगर आपने कोई भी चीजों की वेबसाइट अगर आपने बिल्ड की है फॉर एग्जाम्पल, तो क्या वो वेबसाइट आपकी कंटिन्यू रनिंग में है? कितने लोगों ने अपनी वेबसाइट बनाई है और कितने लोगों की वेबसाइट रनिंग में है? रोज उसके ऊपर कुछ अपडेट वगैरह होता है, रोज उसके ऊपर कोई चेंजेस वगैरह होता है। तो वेबसाइट बनाने का मतलब यही है, एक बार बना के छोड़ नहीं देने का, उसके ऊपर रोज अपडेट करने का, क्योंकि वो वेबसाइट से आपका गूगल के ऊपर रैंकिंग होता है और आप पहले टॉप 10 में आ सकते हो अगर उसका SEO रन कर रहे हो तो। आगे उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। फिर क्या आप लोगों के पास लोगों की सेवा के लिए कोई पर्टिकुलर कॉल नंबर है जिसको कस्टमर केयर नंबर बोलते हैं, या आप खुद ही कस्टमर केयर हो? रात को 12 बजे भी तैयार, आने दो भाली फोन, हम तैयार। तो कस्टमर आपको ही ढूंढता है और आपसे ही आता है और आपसे ही बातें करता है, तो ये होना जरूरी है। सॉफ्टवेयर होना चाहिए, CRM सॉफ्टवेयर, कस्टमर रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए। उसकी बर्थडे हो गई, उसकी एनिवर्सरी हो गई, उसका कोई भी फंक्शन हो गया, जितने भी त्यौहार आ रहे हैं, तो उन सभी लोगों को चीज़ों को उनको विशिंग होना चाहिए आपके बिहाफ पर। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो सिस्टम और टेक्नोलॉजी से की जाती है। यहाँ पर मैन्युअल आपको खुद को कोई करने की ज़रूरत नहीं है, और इतना प्लानिंग आपका एटलीस्ट होना चाहिए। बेसिक क्या है अपना? तो अब आगे एक एक्टिविटीज के लिए हम बढ़ते हैं, और उस एक्टिविटीज के अंदर हम देखते हैं पेज नंबर 71 और एक्टिविटीज नंबर 22। इसको आपको करना है HW, जहां पर ये सारी चीजें जो मैंने आपको बोली उसका आपको प्लानिंग करना है। और ये प्लानिंग करने के साथ हमारे कंसल्टेंट नेक्स्ट मीटिंग के लिए आपके वहां विजिट में आएंगे और वहां पर ये चीजों को चेक करेंगे कि आपका धंधा रुक गया खाली पैसे के कारण। तो ये दोनों चीजों को संभाल कर चलना, उसी को हम कहेंगे फाइनेंस मैनेजमेंट करना। क्लियर है? हम घर पे अपना एक बजट बनाते हैं या घर वाली बनाती है? घर वाली अपना घर पर एक बजट बनाती है ना, जिसमें आप 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 जो भी अमाउंट आप देते हो उसमें वो पूरा घर जो है वो रन होता है। तो उसी हिसाब से आपके धंधे को भी चलाने के लिए आपके बिजनेस का बजट होना चाहिए। आगे हम बात करेंगे किस तरीके की फाइनेंस। फाइनेंस जो होता है वो अधिकतर किसी भी कंपनी में दो तरीके से होता है। एक होता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जिसको हम बोलते हैं ऑन हैंड कैश। आपके पास आपके धंधे को रन करने के लिए वर्किंग कैपिटल कितना है। और दूसरा उसके साथ आता है न्यू फाइनेंस मैनेजमेंट, कि इसके बाद अगर पैसा बच जाता है या दूसरा पैसा अगर आपके पास आ रहा है, उस पैसे को आप कहां लगा सकते हो। क्योंकि एक पैसा जो होता है उससे पूरा धंधा चलता है, और दूसरा पैसा जो होता है उससे दो चीजें होती है, एक इमरजेंसी फंड रहता है, दूसरा न्यू डेवलपमेंट होता है जो यहां से होता है, न्यू फाइनेंस मैनेजमेंट। क्लियर? देखते हैं दोनों के अंदर हमें करना क्या है और कैसे होता है। वर्किंग कैपिटल का मतलब ये होता है आपके धंधे को चलाने के लिए आज आपके करंट अकाउंट में कितना अमाउंट अवेलेबल है। तो वो जितना फंडिंग आपके पास अवेलेबल होगा, आप ऑपरेशन जो है वो स्मूथली रन कर सकते हो। किस तरीके से, तो उसको हम देखते हैं। वर्किंग कैपिटल के अंदर बजट होना चाहिए कैश इन हैंड मिनिमम 3 to 6 months। 3 महीना मतलब 1 quarter, और उसके बाद का 3 महीना मतलब 6 महीने का पैसा आपके पास ऑलवेज अवेलेबल होना चाहिए आपके अकाउंट के अंदर। महीने का खर्चा आपका कितना है, 5 lakh, तो आपके अकाउंट में 6 महीने के हिसाब से कितना होना चाहिए,
कितना होना चाहिए? 30 लाख। 30 लाख होना चाहिए। अगर 30 लाख है मतलब आपका वर्किंग कैपिटल आपके पास है कि आने वाले 3 महीने 6 महीने आपको टेंशन नहीं है कंपनी को चलाने के लिए। फिर आपको ये समझना पड़ेगा आपकी सैलरी फिक्स होनी चाहिए। कई बार हम अपनी मनमानी करते हैं, इस महीने 1 लाख लिया, अगले महीने 50,000 लिया, फिर हमने 3 लाख ले लिया, फिर हमने 5 लाख ले लिया, फिर हमने कुछ भी नहीं लिया, फिर हमने फिर से ले लिया। तो ऐसा नहीं होता है दोस्त। अगर आपको बिजनेस को सीरियसली करना है आपकी एक सैलरी फिक्स रखो। जब गुरुकुल शुरू किया था मेरी सैलरी 15,000 थी, वो बड़ी 30,000 हुई, वो बड़ी 50,000 हुई, वो बड़ी 1 लाख रुपया हुई, लेकिन उसी हिसाब से धंधा भी बढ़ता गया है। तो क्या आपकी सैलरी फिक्स है? पहले तो यहाँ से शुरू होगा। कितने लोगों की है? बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और बाकी लोगों की सैलरी अगर फिक्स नहीं है मतलब वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है अपने धंधे के, सबसे सस्ते वाले, जो लेते भी नहीं और लेते हैं तो छोड़ते भी नहीं, उतना ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन ही नहीं है लेना कितना है और देना कितना है। तो ये फिक्स कर दो। फिर आपको समझना पड़ेगा टीम डेवलपमेंट का बजट। कई बार आपको अच्छे लोग चाहिए लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, वो ज्यादा देने का बजट नहीं होता है, इसलिए अच्छा बंदा आप ले नहीं पाते हो। क्योंकि सस्ता सुंदर टिकाऊ आपके धंधे को डेवलप करके नहीं देगा, वो चला के देगा और चलाने में भी दिक्कत करेगा। तो एक अच्छे बंदे अगर आपको चाहिए, एक प्रोफेशनल पर्सन अगर आपको चाहिए, तो 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख रुपया तक आपकी देने की तैयारी होनी चाहिए। और अगर दे रहे हो तो आपका एटलीस्ट प्लानिंग ये होना चाहिए कि 3 महीने की सैलरी में उसकी बैर कर सकूं, उसके पास से अगर 1 रुपये का भी धंधा नहीं मिले तो भी, फिर वो टिकते हैं, फिर वो काम करते हैं, फिर वो आपको ग्रोथ करके देते हैं। इसीलिए हर एक कंपनी के अंदर 3 महीना 6 महीना प्रोविजन पीरियड होता है। उस प्रोविजन पीरियड में हम उसको समझते हैं, वो हमें समझता है, ये वो वाला रिलेशन होता है जो शादी के पहले का होता है, सगाई थी गई लगन नहीं, वो वाला समझना होता है ना। जब समझ जाते हैं फिर एंगेजमेंट हो जाता है, फिर शादी हो जाती है, तो वो वाला रिलेशन रहता है। फिर हमें समझना पड़ेगा मार्केटिंग का बजट फिक्स। मैंने हर जगह फिक्स डाला हुआ है, समझना। तो आज नहीं तो कल लोगों को लाने के लिए, लोगों को तैयार करने के लिए और मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए आपको बजट महीने का फिक्स करना पड़ेगा। अगर नहीं किया है तो 10,000 से स्टार्ट करो, नहीं किया है तो 5,000 से स्टार्ट करो, नहीं किया है तो 20,000 से स्टार्ट करो, लेकिन कहीं ना कहीं से शुरू करो। अब मैं आपको आगे ये भी बताऊंगा जब मार्केटिंग और ब्रांडिंग आएगा कि आपके बिजनेस के मॉडल के हिसाब से आपको कितना बजट मार्केटिंग का और सेल्स का करना चाहिए, वो भी आएगा, लेकिन फिक्स करो उसको महीने का। और लास्ट में फिक्स करो न्यू डेवलपमेंट बजट। अगर आज आपकी कंपनी का खर्चा 10 लाख है और आपकी इनकम आज 12 लाख हो रही है तो 2 लाख बचाओ किस चीज के लिए? फ्यूचर के डेवलपमेंट के लिए। और उसको ऐसी जगह आप लगाओ या ऐसी जगह निवेश करो जब आपको चाहिए ना, आने वाले 24 घंटे या 48 घंटे में आपको मिल जाए। ऐसे मत लगा दो कि ये भाई जमीन ले ली, मकान ले लिया, प्लॉट ले लिया, क्योंकि वहां पर आपका पैसा जो है वो फ्रीज हो जाएगा, वो आपको जो चाहिए उतना मिलेगा नहीं और डैमेज भी कर सकता है आपका फाइनेंस। तो ये एक फिक्स होना चाहिए, क्लियर। और एक सबसे अच्छा रामबाण सॉल्यूशन जो हम करते हैं हर एक कंपनी को स्टार्टअप करने के लिए, आपकी इनकम जितनी भी होती है पूरी कंपनी की, उस इनकम का 10% हिस्सा आप फिक्स डिपॉजिट करना शुरू कर दो फ्यूचर के डेवलपमेंट के लिए। उतना हो सकता है, मिनिमम 10,000 से स्टार्ट होता है फिक्स डिपॉजिट, बराबर मिनिमम अमाउंट, मैक्सिमम आपको जितना करना है उतना करो। इसको 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल के लिए प्लान करो और ऐसी जगह लगाओ कि जहां से आपको रिटर्न अच्छा मिले। क्लियर।